चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी की गोवा में रैली, मापुसा के बोधगेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम का आप और तृणमूल कांग्रेस पर हमला, कहा कुछ दलों के लिए लॉन्च पैड है गोवा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऐलान, आने वाले दिनों में कम होंगे कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंध। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 429 नए मामले, दो लोगों की मौत हुई है। विदेश से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइंस, जरूरी नहीं होगा 7 दिनों का होम क्वारंटाइन। विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक करनी होगी सेल्फ मॉनिटरिंग, पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। 82 देशों को जोखिम वाले देशों की सूची से किया गया है बाहर, 14 फरवरी से लागू हो जाएंगी नई गाइडलाइंस। लता मंगेशकर की अस्थियां नासिक स्थित पवित्र रामकुंड में की गई हैं प्रवाहित, सुबह 10 बजे रामकुंड पहुंच गए थे लता की बहन उषा मंगेशकर और भतीजे आदिनाथ मंगेशकर। लता को श्रद्धांजलि देने अस्थि विसर्जन के समय जमा हो गई थी लोगों की भीड़, नासिक के कमिश्नर और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। पुणे में हिजाब के समर्थन में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम महिलाओं के साथ किया प्रदर्शन। भीड़ से पुलिस ने हटवाए पहले हिजाब फिर किताब के पोस्टर, एक स्थानीय छात्र ने इस तरह के पोस्टर्स लगाए थे। हिजाब के मुद्दे पर बोले जावेद अख्तर, नहीं करता हिजाब या बुरके का समर्थन, पर बुरका पहनी लड़की को परेशान करने वालों से बेहद खफा हूं। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने प्रदर्शन किया, संसद में कांग्रेस पर दिए बयान के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी से कर रहे हैं माफी की मांग। आर्यन खान ड्रग्स कनेक्शन का मामला, एनसीबी पर लगे करप्शन के मामले की विजिलेंस जांच लगभग पूरी। वाशिम की पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी, बुजुर्ग की कार से 2 लाख रुपए कैश चुराने वाले चोर को 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। 460 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,926 पर सेंसेक्स बंद हुआ, 142 पॉइंट्स बढ़कर 17,605 पर निफ्टी बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में नहीं किया है कोई बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी का किया है ऐलान, कारोबारी साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने की उम्मीद जताई गई है। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा है, अगले साल 4.5% रहने की उम्मीद है।